डोम और चोर। एक डोम के झोपड़े के सामने राख, मिट्टी और कूड़े का ढेर लग गया। डोमनी ने कहा कि इस कूड़े के ढेर को खुदवा कर अलग फेंकवाओ। डोम ने उत्तर दिया कि रात को चोर चोरी करने के लिए इधर से ही जाया करते हैं और वे अक्सर चिलम सुलगाने के लिए अपने झोपड़े से सरकंडे निकाल लिया करते हैं, अतः कूड़े का ढेर उन्हीं से हटवाऊंगा। डोम डोमनी ने मिलकर युक्ति निकाली और रात को जब चोर आए तो डोम ने उन्हें सुनाते हुए डोमनी से पूछा कि इस बार भला यजमान ने तुम्हें जो सोने के कड़े दिए थे वे कहाँ हैं। डोमनी ने कहा कि चुप भी रहो, कोई सुन लेगा। मैंने वे कड़े झोंपड़े के सामने वाले कूड़े के ढेर में छुपा रखे हैं, जहाँ किसी को संदेह नहीं होगा। चोरों ने सोचा कि आज अच्छे मुहूर्त से आए थे, जो सोने के कड़े अनायास ही मिल जाएंगे। चोरों ने पहले कूड़े के ढेर को कूड़ेदान, लेकिन जब उन्हें कड़े नहीं मिले तो उन्होंने निश्चय किया कि इस ढेर को उठाकर कहीं दूर डाल दें और फिर दिन में आकर कड़े देख लेंगे। यूं निश्चय करके वे पोटलियां बांध बांध कर रात धोने लगे और सवेरा होने से पहले ही उन्होंने सारा ढेर साफ कर दिया। दूसरे दिन जब चोर रात बरसा बरसा कर कड़े ढूंढ रहे थे तो डोम उधर से निकला। डोम ने खकारा किया, चोर सहमे। डोम ने कहा कि यजमान हमारे पास कहाँ सोने के कड़े रखे थे। डोम ने कई दिन से कह रही थी कि इस कूड़े के ढेर को अलग फेंकवाओ, सो मैंने तो एक तरकीब निकाली थी, अब आप व्यर्थ ही क्यों परेशान होते हैं। चोर खिसिया कर रह गए, लेकिन रात को वे बदला लेने के लिए डोम के घर में घुसे। उधर डोम भी बेखबर न था। उसने एक जहरीला बिच्छू एक तंग मुंह के करवे में बंद करके हटड़ी यानी पुराने ढंग की अलमारी में छोड़ दिया। चोर आए तो डोम ने डोमनी से पूछा कि अमुक यजमान ने प्रसन्न होकर तुम्हें जो कीमती मुंदड़ा यानी अंगूठी दिया था वह कहाँ है। डोमनी ने धीरे से मुंदड़े का पता बतला दिया। चोरों ने भी सुना, एक भागा भागा गया और उसने करवे में उंगली डाली। बहुत समय से बंद रहने के कारण बिच्छू क्रोध में भरा बैठा था। उसने चोर की उंगली में काट लिया। वह हाय तोबा मचाने लगा तो डोम ने व्यंग से कहा, क्यों यजमान संकरा है क्या। डोम को जगा हुआ जानकर चोर भाग गए, लेकिन जिसकी उंगली में बिच्छू ने काट लिया था वह एक कुठल्ले में छुप गए। डोम ने चोर को छुपते हुए देख लिया। उसने डोमनी से कहा कि आज मुझे तो नींद नहीं आती है, हुक्का भरकर ला। डोम ने जानबूझकर कुठल्ले में ही कुल्ले किए। उसे में खकार डालता रहा और हुक्का पीकर उसने हुक्का भी कुठल्ले में ही जहर दिया। चोर का शरीर जुलस गया, लेकिन वह चुप मारे रहा। उसने सोचा कि डोम अनजाने ही ये सब कर रहा है। सवेरा हुआ तो डोम ने फिर डोम के लिए हुक्का ताजा करके लाई। डोम ने डोमनी की ओर जानबूझकर थूक दिया तो डोमनी नाराज होकर बोली कि धनी सवेरे सवेरे यह क्या किया। डोम बोला कि वाह, इतने में ये नाराज हो गए, जरा उस यजमान का धैर्य भी देखो कि रात भर से कुठल्ले में बैठा चुपचाप सब कुछ सहन कर रहा। डोम की बात सुनकर चोर कुठल्ले में से निकला और उसने सोगन खाई कि फिर कभी किसी डोम के घर चोरी करने के लिए नहीं जाऊंगा।